पब्लिक टीवी आपकी आवाज। शहर के हैंडीक्राफ्ट निर्यातकों को अमेरिका में कैलिफोर्निया की कंपनी ड्रिप कैपिटल ने एक खास ऑफर दिया है। कंपनी के साथ अनुबंध करने वाले निर्यातकों को माल के शिपमेंट के बाद पेमेंट के लिए महीने भर तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये जानकारी होटल मानसरोवर पैराडाइज में आयोजित सेमिनार में दी गई। मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर एसोसिएशन और फियो के तत्वावधान में आयोजित सेमिनार में ड्रिप कैपिटल के बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टर अंकित वर्मा ने बताया कि शिपमेंट के बाद निर्यातकों को अपने माल के सापेक्ष 80% पेमेंट बिल ऑफ लैंडिंग जारी होते ही प्राप्त हो जाएगा। पोर्ट पर माल की लैंडिंग होने के बाद बीएल जारी हो जाता है। इसके एवज में कंपनी निर्यातकों से 1% रकम फीस के तौर पर लेगी। मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष नवेदुर रहमान ने कहा कि अभी तक निर्यातकों को बीएल जारी होने के बाद महीने भर तक पेमेंट का इंतजार करना पड़ता था। विदेशी ग्राहक अपने यहां माल पहुंचने के बाद ही पेमेंट करते थे। पेमेंट जल्दी पहुंचने से निर्यातकों को जो आर्थिक लाभ होगा उससे वो बैंक का लोन पहले ही चुका सकेंगे, जिससे ब्याज का भार कम हो जाएगा। आज की जो सेमिनार थी ड्रिप की तरफ से थी, जो फियो और मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर एसोसिएशन के कोलैबोरेशन के साथ हुई है, और जिसके अंदर ड्रिप ने बहुत अच्छी हमें जो है वो ऑफर दी है, जिससे हम बिल ऑफ लीडिंग के अगेंस्ट 80% जो है फाइनेंस जो है वो कर सकती है, जो कि बहुत अच्छी हमारे पास एडवांटेज है और जो बहुत अच्छी तरह से हमारे फाइनेंस को सर्कुलेट कर सकती है। थैंक यू वेरी मच। देखिए, फियो ने ये एक्सपोर्टरों के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता खोला है कि जो उनको निर्यात ऋण चाहिए वो उनको समय से पहले और बहुत कम फॉर्मेलिटीज़ में मिल जाए, और आशा है कि इससे हमारे निर्यातकों का काम बहुत बढ़ेगा। निर्यातों के लिए एक सुविधाजनक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है, ताकि शिपमेंट जाने के बाद बिना किसी बैंक फॉर्मेलिटीज़ के बीएल और इनवॉइस के द्वारा 80% निर्यातकों को मिल सकता है, जो कि वो अपनी अगली शिपमेंटों की तैयारी में कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो ये प्रपोजल है ये काफ़ी अच्छा है और निर्यातकों के लिए उत्साहवर्धक रहेगा। बहुत अच्छा कदम है। जो हमारे बैंक में इतनी देरी होती है, उनको ऋण नहीं मिल पाता, उनके ऑर्डर रह जाते हैं, समय से नहीं जा पाते, इसके लिए इन्होंने मुरादाबाद के अंदर शुरुआत की है। ये बहुत ही सराहनीय इनका काम है। थैंक यू, धन्यवाद। एक बहुत ही अच्छा कदम है फियो का, जो इन्होंने क्रेडिट लिमिट्स को बनाया है, और सबसे अच्छी बात यह है कि शिपमेंट का 80% ये तुरंत ही आपको देने को तैयार है, तो इससे छोटे एक्सपोर्टर्स को बहुत लाभ मिलेगा। ओके, और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इससे लाभ उठाते हुए हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट और खासतौर पर मुरादाबाद के छोटे एक्सपोर्टर्स का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ट्रिप का ये जो सेमिनार आज आयोजित हुआ है एसएमई के ऊपर, जिस प्रकार बैंकों ने सेंक्शन क्रेडिट लिमिट्स पर लगाई हुई है, उसके लिए फियो द्वारा उठाए गए ये कदम बहुत सराहनीय है, और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि मुरादाबाद के छोटे एक्सपोर्टर्स के लिए निश्चित तौर पर लाभान्वित होगा, और काफ़ी डिटेल में समझाया गया है। आई थिंक लोग इससे लाभ उठाएंगे। जिस तरह से इन्होंने कमेंट्स किए हैं और जिस तरह से प्रॉमिस किया है, अगर इसको फुलफिल करते हैं तो मीडियम क्लास के और लोअर क्लास के एक्सपोर्टर्स को बहुत बल मिलेगा, और आने वाले वक्त में एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। और मेरी तो दुआ ये है कि जो इस तरह की इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है प्रोग्राम को, तो उसको ये आगे तक लेके जाएं और पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट करें, और जिस तरह की एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटीज की ज़रूरत हो उस फैसिलिटीज़ को दें, और जैसा कि इन्होंने वायदा करा है, मैं शुभकामना करता हूँ कि आने वाले वक्त में मुरादाबाद की एक्सपोर्ट बढ़े और हमारे यहाँ से हम एक्सपोर्ट को कल में बल दें और फॉरेन करेंसी को यहाँ की गवर्नमेंट को हम दें। बहुत बहुत धन्यवाद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।